हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सा पोटली बटन स्लीवी डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। अब देखिए, मुझे बाजू की लंबाई 5 इंच तैयार रखना है, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 6 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे, देख सकते हैं ये सीधा हो गया है। अब मुझे 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए एक और निशान लगा लेना है, देख सकते हैं इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब 3 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से भी 3 इंच पे निशान लगाना है और इसको बाजू का शेप दे देंगे। ये देख सकते हैं बाजू की शेप कितना अच्छा आया है। अब यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाना है और इसको सीधा कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, ये देख सकते हैं मेरा कटिंग हो चुका है। अब इसके सेंटर में मैंने कट लगा लिया है। अब इसको मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे, देख सकते हैं कटिंग हो गया है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को अटैच करना है, जिसके लिए मैं ये सिलाई लगा रही हूँ, देख सकते हैं। सिलाई को ऐसे गोलाई में लगाना है। सिलाई मेरा लग गया है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें सेंटर मार्क करना है, ये देख सकते हैं यहाँ मुझे सेंटर मार्क लगा लिया है। और इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद मुझे इसको सीधी लाइन को सीधा कर लेंगे और यहाँ 0.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। दोनों साइड 0.5 इंच पे निशान लगाना है और उसको भी सीधा कर लेना है। ये देख सकते हैं मैंने 3 निशान लगा लिया है, जो तीनों 0.5 इंच पे है। अब मुझे पोटली बटन बनाना है, जिसके लिए मैंने थर्माकोल का यूज़ किया है, देख सकते हैं। और ये मेरा मेन फैब्रिक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2-2 इंच है। अब मुझे इस पर थर्माकोल को रख लेना है और धागे की मदद से इसको नीचे तक बांध लेना है, देख सकते हैं ये मैंने बांध लिया है। एक पोटली बटन मेरा तैयार हो गया है। ऐसे ही एक और मैं आपको बना के दिखा दूँगी पोटली बटन, देखिए इसको भी मैंने धागे की मदद से नीचे तक बांध लिया है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर लेंगे। ऐसे ही मैंने ढेर सारा पोटली बना लिया है, देख सकते हैं। अब इस पोटली बटन को इस मेन फैब्रिक पे लगाना है, जिसके लिए 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे छोड़ते हुए पोटली बटन को लगाना है। ये देख सकते हैं पोटली बटन मैंने लगा लिया है। वैसे ही 1/2 इंच की दूरी पर पोटली बटन को लगा लेना है। ऐसे ही सारे पोटली बटन को लगाना है। ये देख सकते हैं मैंने पोटली बटन लगा लिया है। देख सकते हैं पोटली बटन के एक्स्ट्रा मार्जिन को अब मैंने कट कर लिया है। अब इस कपड़े को इस पे फोल्ड करते हुए मुझे सिलाई लगा लेना है। ये देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने सिलाई को लगा लिया है। 1.5 इंच दोनों तरफ आ गया है। अब इस कपड़े को 2.5 इंच मैंने कट कर लिया है। अब इसको फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेना है। ये देख सकते हैं इसी प्रकार मैंने और भी बना लिया है।
ढेर सारा मैंने बना लिया है और इसको कट कर देंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट कर लेंगे। अब इसको 0.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। देख सकते हैं निशान को मैंने सीधा कर लिया है। इसी पर इन फैब्रिक को रखते हुए मुझे सिलाई लगाना है। देख सकते हैं मैंने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई में जो एक्स्ट्रा कपड़ा आया है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं एक इंच चौड़ी पट्टी मैंने, तिरछी पट्टी मैंने कट कर लिया है, जिसको साइड से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। इस पट्टी को इस कपड़े पर रखते हुए अटैच करना है। ये देख सकते हैं मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब इस पट्टी को सीधा करते हुए एक और सिलाई लगा लेना है। अब सीधी साइड में एक और सिलाई लगाएंगे। आगे की तरफ मुझे 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेना है। ये स्लीव्स बनकर तैयार हो चुका है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस प्रकार बनाइए और ट्राई कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।